लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। मैं एमएलए होने के पहले वाशी के पुलिस स्टेशन में आया था। आज उस घटना को मेरे अंदाज से 32 साल हो गए। अभी इस स्थिति में मुझे आज पुलिस स्टेशन में आना पड़ा, इसलिए कि कल मैंने अमरीश पट्टेगिरी को फोन करके बोला कि भाई ये गुलमोर के लोगों को मौका दे दो, उनकी जो स्पष्टता आनी है कोर्ट से। तो बोला हाँ दादा, हम लोग नहीं डिस्कनेक्ट करेंगे। एक महापालिका अधिकारियों ने खाली खुद का पानी का कनेक्शन कट नहीं किया, एमएससी वालों को बोला यार तुम्हारे पर भी तुम्हारा इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी कट करो। मैंने बोला कि भाई तुम्हारा काम धंधा है ना महापालिका का कारपोरेशन, तुम करो। एमएससी भी स्वतंत्र कारपोरेशन है, उसमें दखल देने की तुम लोग को कोई जरूरत नहीं है। जब उन्होंने एश्योर किया कि भाई हम लोग लाइट नहीं कट करने वाले, पानी नहीं कट करने वाले, तो मैं अपने काम में लगा। सुबह सुबह में तो आयरुली इलाके में अपन लोग सब लोग थे। दोपहर में मुझे शुद्ध दिवे का फोन आएगा कि ये लोगों ने लाइट और पानी भी कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया। तो एडवोकेट बंसोड़ी से मैंने बातचीत की, एडवोकेट बंसोड़ी क्या बात है, तो मैंने बोला ये तो इलीगल हुआ है। तो फिर मैंने एमएससीबी के अधिकारी को बोला देखो बताइए कि 10-15 दिन में माननीय हाईकोर्ट का निर्णय आने वाला है इस बारे में, तब तक ये लोगों को अंधेरे में रख के क्या फायदा है। भले वो मोमबत्ती लगाएंगे या कोई अलग कोई व्यवस्था करेंगे, लेकिन वो जुल्म होगा। उसी ढंग से मैं अमरीश पट्टेगिरी को बोला, तुम्हारे आयुक्त तो सुबह से मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। सुबह से अपन जब गौलीदेव के इधर गए वहाँ से इन्होंने शाम तक भी नहीं फोन उठाया। तब मैंने सुदत्त को बोला कि भाई आज मैं खुद आ रहा हूँ, गुलमोर में आ रहा हूँ। हालांकि किसी सोसाइटी में मैं ऐसे लफड़े में मैं कभी नहीं आया, दिनेश नहीं मैं कभी गलो। लेकिन वादा करने के बाद में फिर से वादे से फिर से मुंह टेढ़ा करके निकलना, ये तो अपमान की बात है। यदि पहले बोलना चाहिए था कि भाई हम नहीं रुकने वाले, हम करने वाले, तो बंसोड़े को मैं बोलने वाला था कि भाई इमीडिएट नोटिस दो ना, नोटिस भी नहीं है। अभी ऐसी स्थिति में पुलिस स्टेशन में हम गए, एडवोकेट बंसोड़े को मैंने पूछा कि भाई ये कोर्ट का अवमान की बात है क्या। तो बंसोड़े बोले दादा ये कोर्ट के अवमान की बात नहीं, ऑन द कॉन्ट्री ये 16-17 फरवरी को उस बारे में सुनवाई होके अंतिम निर्णय आने वाला है। तो 10-12 दिन के लिए कौन सा आसमान टपकने वाला था। तो मैंने उनको बोला कि भाई आप ज्वाइंट करो इलेक्ट्रिक का, इलेक्ट्रिक माने ने मान लिया और शुरू भी हो गया। अभी इनको बोला तो अभी अमरीश पटेल बोलते आयुक्त मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। मतलब अच्छा यार, मतलब उपायुक्त का फोन आयुक्त ने उठा रहे, तो मतलब ये अच्छी करामत हो रही है। तो बात ऐसी है कि इन बिटवीन सारंग राउत का विनोद मात्रे अपने कॉर्पोरेटर है उनके माध्यम से मुझे फोन, दादा उधर जाने वाले दादा से हमारी भी जो कैफियत है हम सुनाना चाहते हैं। उनके मतलब वादा नहीं आओ ना, लेकिन आज के तारीख में आप लोगों को उनको बोलो महापालिका वालों को कि भाई इनका पानी का कनेक्शन दे दो, तो शायद वो लोग उनको आयुक्तों को बोलने के उनमें ताकत नहीं है। तो आयुक्त से मेरी बात होगी, आयुक्त मुझे बोला क्या कि मैं अमरीश पट्टेगिरी को बोलता हूँ, अमरीश पट्टेगिरी को मैं फ़ोन कराऊँ एक बार दो बार, तो बोलते मुझे फ़ोन आया नहीं है। अभी जब इन्होंने श्रद्धा अपार्टमेंट के नोटिस दिखा के गुलमोर का पानी डिस्कनेक्ट किया होगा, तो वो गैरकानूनी हुआ ऐसा हमारे बंसोड़े का कहना है। तो बंसोड़े अभी ये गैरकानूनी उन्होंने तोड़ा है, बिल्कुल सर, इसमें कोर्ट का अवमान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जाके वो इलेक्ट्रिक पानी का कनेक्शन ज्वाइन करो, इसके बारे में कॉरपोरेशन किधर भी मेरे बारे यदि कोर्ट का खाली मैं न्याय विधि का अपमान करना नहीं चाहता। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन।
जब एडवोकेट बंसोड़े बोल रहे हैं कि भाई इसमें कोर्ट का अवमान नहीं है, तो मैं यहाँ का जनसेवक के तौर पे लोगों को अंधेरे में रखना, लोगों को प्यासा रखना, ये हमारा धर्म नहीं है। इसलिए मैं जो भी उसका कोई असर हो जाएगा तो सुदत दिवे जाके पानी का कनेक्शन डिसकनेक्ट कनेक्ट करो, उसकी जो भी सजा हो जाएगी वो लेने को तैयार। खाली सिर्फ खाली कोर्ट का अवमान नहीं होना चाहिए बस, वरना ऐसे गुंडे फुंडों को हम लोग नहीं मानते ना, जानते भी नहीं। ओके नमस्ते। प्रश्न असा है कि गुलमोरच्या बाबतीमध्ये सुदत दिवे या लोकांच्या पाठीमागे बऱ्याच दिवसापासून मॉरल सपोर्ट देऊन आहे। ज्यावेळेला सुदत दिवेने मला सांगितलं की बाबा उद्या डिस्कनेक्शन करण्यासाठी MSEBवाले आणि महापालिकेला येणार आहेत, त्याला MSEBचे माने साहेब आहेत, त्यांना मी फोन केला की बाबा अशा अशा प्रकारची कोर्टामध्ये प्रकरण आहे, तुम्ही सध्या 10-12 दिवस थांबा। त्यांनी त्यांच्या अधिकाऱ्यांनासुद्धा म्हणजे मिसअंडरस्टँडिंग करून दिला आणि सकाळी ते लाईट कनेक्ट डिस्कनेक्ट केली होती, परंतु त्यांनी ही गोष्ट मान्य केली की लोकांना नोटीस न देता आपण या ठिकाणी वीज खंडित करणं हे कायदेशीरच नाही आणि नैतिकतेला धरूनच नाही, त्यांनी कनेक्ट करून दिलं। अमरीश पटणेगिरींना मी म्हटलं की अमरीश पटणेगिरी सुरुवातीला काय सांगितलं, ते माझ्या कक्षेत नाही, ते चाबुकस्वारच्या कक्षेत आहे। चाबुकस्वार बोलले नाही ते तुम्ही तर साहेब तुम्ही आयुक्तांशी बोला, म्हणत आयुक्ताचा फोनच ऐकत उचल, मग मी त्या वॉर्ड ऑफिसरला बोललो, वॉर्ड म्हटलं तू तुमच्या लोकांना सांग की 2-4-5 दिवस थांब, 2-4-5 दिवसानंतर ज्याला निर्णय येईल हायकोर्टामधून त्याला डिस्कनेक्ट करून टाक। त्याच्यानंतर मला वाटते कोणीतरी प्रेशर दिला कोणावर, वॉर्ड ऑफिसरवर, त्याच्याकडे ऑर्डर नसताना त्यांनी बिचाऱ्यांनी ते डिस्कनेक्ट केलं आणि तुम्ही लोकांनी त्याला घेराव घातला, घेराव घातलं ना, घेरावसहित तुम्ही त्याला पोलीस स्टेशनला नेलं, तुम्ही समोर असताना पाठीमागच्या दरवाज्यातून त्याला वॉर्ड ऑफिसर पळून म्हणजे त्याला काढून दिलं। अरे का शेवटी प्रश्न असा आहे, कोणावर जुलूम कोणाला दांबून ठेवणं वगैरे हे पण कायदेशीर नाही। ते आता प्रश्न असे, तुम्ही तुमचं काम केलं रागाच्या भरात, पोलिसांनी त्यांचं काम केलं, त्याला एका पतली गल्ली से उनको बाहेर निघाला, जाऊ दे ना। आता प्रश्न असा, आता बाब अशी आहे, बाब एक मिनिट, बाब अशी आहे की 7-8 दिवसामध्ये जर न्यायालयामधून जर अंतिम निर्णय लागणार असेल तर त्या ठिकाणी एवढी घाई करायची काही गरज नव्हती। मी माननीय सिनियर इन्स्पेक्टर चव्हाण साहेबांना सांगितलं की सारंग राऊत यांना मी 9:30 वाजताची वेळ दिलेली आहे क्रिस्टल हाऊसला, तुम्ही प्रमुख लोक पण या आणि सगळे सदस्य पण या, कनेक्टेड सदस्य या, अन्य लोकांची काही गरज नाही। आणि माननीय ॲडव्होकेट बनसोडेंनी सांगितलं की या ठिकाणी कोर्टाचा अवमान होत नाही, आणि म्हणून मी सुदत दिवेला सांगितलं की कोर्टाचा अवमान होणार नसेल तर या आता एक ज्यांना माणुसकी ज्यांनी सोडलेली आहे अशा लोकांची पर्वा करायची गरज नाही। माणुसकी जपण्यासाठी तो तोडलेला पाण्याचा पाईप पुन्हा जॉईन करा, त्याच्यासाठी काय सजा कुणी दिली ना ती सजा घ्यायला गणेश नाईक तयार आहे। अभि देखिए बात ऐसी, अभि इसके पीछे किसकी हरकत है ये मैं तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे सुदत दिवे ने बोला कि यहाँ के कई पॉलिटिशियन लोग सब मिलीजुली भगत है, ऐसा सुदत ने मुझे बोला, बात सही है ना? बरोबर। हाँ तो बात ऐसी कि मैं एक आपको कथा बोल रहा, कथा ये अभी आप सब लोग अभी रिकॉर्ड भी करो कि समझो भगवान ने ऊपर जो स्वर्गस्थ हुए सब लोगों को बोला एक बार जाके तुम लोगों को जन्म लेना है तो जाओ किधर भूतल पे, लेकिन वो तुम्हारा चेहरा नहीं मिलेगा, कौन सा तुम्हारा चेहरा था वो उन्हें मिलेगा, जाके मिल के आओ तुम्हारे यानी सक्सेसर, तुम्हारा वंश कहाँ का बढ़ रहा है, पूर्वज ने वंशज कहाँ है वो ढूंढ लो, और तुम लोगों ने जो कभी कर्म किए हैं उसके बारे में समाज क्या बोलता है वो भी एक बार कानों से सुन लो। तो अभी इस बारे में तो ऐसे करोड़ों लोग मुझे ऊपर गए भगवान मुझे स्वर्गस्थ हुए हैं, तो मैंने कहा तीन ही लोगों का विषय मेरे दिमाग में आ गया कि भीष्माचार्य को क्या लगता होगा, द्रोणाचार्य को क्या लगता और कर्ण को क्या लगता होगा। तो वो तीनों आगे और बोले आपने पीढ़ी जिनको आपने को मिलना है तो साधु बन के जाएंगे, तो इधर आके तो द्रोणाचार्य भीष्माचार्य तो योद्धा थे, द्रोणाचार्य बहुत धनुर्धारी थे और कर्ण तो अर्जुन से भी धनुर्धारी था,
लेकिन उनके बारे में बुरा तो कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन अच्छा भी कोई नहीं बोल रहा था। और कथा में कभी कभी प्रवचन में साधु संत महाराज बोलते ना कि भाई ये लोग गलत लोगों के साथ में गए। किधर गए? गलत लोगों का साथ गया। तो वो लोगों ने राजधर्म का पालन किया था। किसने? भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य और कर्ण ने भी। और जब उनको लगा कि लोग अपने बारे में बहुत गलत बोल रहे हैं, कि अपना कुछ अच्छा नाम नहीं रहे, तो उनको दुख हो गया। तो भगवान ने ये भी बोला था कि तुम्हारे जाके वंशज लोगों को बोल दो कुछ, कैसा तुम लोगों की जीवन कैसा था और उन्होंने क्या करना चाहिए। तो भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण ने बोला कि भाई हाँ, ऐसे पुराण में भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण थे, इन्होंने गलत लोगों के साथ गए, इसलिए आज तक भी उनको समाज सम्मानित नहीं कर रहा है। तो आप लोग अच्छे लोग हैं, तो आप लोग ऐसा बर्ताव मत करो, भीष्माचार्य जैसा मत करो, द्रोणाचार्य जैसा मत करो, कर्ण जैसा मत करो। तो जिन लोगों ने नीति धर्म का पालन किया, अभी देखो बात ऐसे कि मैं तो नाउ आई एम 72, 72 साल में हूँ मैं, ओके, 2 साल या 5 साल 10 साल मुझे नहीं मालूम कितना रहूँगा, लेकिन जब मैं कभी गलत काम करके आगे आगे जीने का प्रयास करूँगा, तो मेरे गलत काम मुझे मरने के टाइम में डर बताएंगे। क्या बोले? डर बताएगा, क्योंकि ये मकान, दुकान, गहना, पैसा, ये सब जगह पे रहने वाला है। तो इसलिए मैं आज को आपको बोल रहा हूँ कि नीति धर्म के साथ चलो, राजधर्म के साथ मत चलो। ये लोग जो राजधर्म के साथ चल रहे हैं, ये दो दिन की शरीर, अरे ये अवतार हुए भगवान के, मतलब उनका भी अंत हो गया। और मेरा कहना है कि जो सोच समझ के भी बुरा कोई काम करने को जाते हैं, वो लोगों को मरने के टाइम में रोना आता है, लेकिन वक्त निकला होता है। ये एक नगर सेवक पद, सभापति, महापौर, आमदार, राज्य मंत्री, मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, सबका कालखंड होता है। जिन्होंने अच्छे कर्म किए उनका लोग नाम लेते हैं, भले कर्ण गलत जगह पे था लेकिन दानशूर था, इसलिए अभी भी लोग बोलते हैं तू क्या खुद को कर्ण समझता है क्या? ओके, नाम यदि वो लोगों ने मुझे वादा किया कि हम डिस्कनेक्ट नहीं करने वाले, ओके, यदि वो नहीं करते ना, तो मुझे आने की देर नौबत नहीं आती थी, सुनिए। और यदि वादा भी नहीं करते ना, तो भी मैं आने को प्लस माइनस करता था, लेकिन वादा करने के बाद मैंने वादा किया इनको भाई नहीं कर तोड़ने वाले। तो बात ऐसी कि तुम लोग जिम्मेदार अधिकारी हैं, तो तुम लोगों को जो किसको भी कमिटमेंट करना है तो सोच समझ कर करनी चाहिए। विदाउट सोचे बिना कमिटमेंट किया तो बात ऐसी कि हम लोग तो रास्ते के फुटपाथ के लोग हैं। क्या बोल रहा हूँ? जस्ट मिनट, मैं बोल रहा हूँ कि बात ऐसे कि मैं तो फुटपाथ, मेरी जो सोशल स्टार्टिंग हो गई ये आंदोलन से हुई है। उम्र की 21वें साल में मैंने सिडको के खिलाफ आंदोलन किए, MRDC के खिलाफ, इंडस्ट्री के खिलाफ किए, लेकिन जिसमें कोई पथराव, किसको मारो, तोड़ो फोड़ो, ये अपना रास्ता नहीं है। लीगली जो नैतिकता के साथ में हम बर्ताव किए रीडेवलपमेंट के लिए, देखिए बात ऐसी कि कल अभी सोमवार शनिचार को सारंग राउत आएंगे, रीडेवलपमेंट होना चाहिए। सारंग राउत आएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स में जो लोगों का भी, मैं उनके लिए भी बात करूंगा, ओके, सुने, बात करूंगा। अभी कई भाई लोग बोल रहे थे भी हमारे भी पानी तोड़ा है, के दुख भावना के साथ में हम लोग है, लेकिन वकील जब बोलेंगे कि भाई इसमें कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कोर्ट का अवमान नहीं है, तो उधर के लिए हम बोल नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि लोगों को सही परसेंटेज में सरकार के नियमों के अनुसार यदि लोगों को मकान की साइज बढ़ती होगी, एमिनिटीज बढ़ती होगी, ऐसे किधर कोने में एक बिल्डिंग बना के मुर्गे जैसे रखे, ऐसे कोई होगा तो मैं बोलूँगा नहीं सपोर्ट करने का। और एडवोकेट बंसल बोलेगा कोर्ट के निगाह में ये बातें डालो कि भाई किस हालत में वो लोग हमको लेके जा रहे हैं। देखिए बात ऐसी कि गणेश नाइक ने रीडेवलपमेंट का, गणेश टावर सेक्टर 1 का और रीडेवलपमेंट का पहला नमूना था FSI के लिए। अभी देखिए बात, इतिहास में मैं जाना चाहता नहीं, भगवान को मैं बोल रहा हूँ कि श्रेय किसको लेना है, सबको उनको जाने दो, हमें कोई उसकी जरूरत नहीं है, दुनिया सब जानती है। लेकिन जो रीडेवलपमेंट, इसके आगे फिर से रीडेवलप होने वाला नहीं आखिरी, तो वो बिल्डिंग का
लाइफ भी स्ट्रांग होनी चाहिए, लोगों को जो कुछ भी मिलेगा वो सेटिस्फाइड होने होना चाहिए। कोई मतलब ताजमहल जैसा कोई मांगेगा तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन जो जरूरत का वो मिलना चाहिए। तो आप रफ बना के लाओ, और यदि आपने लाया हुआ उनको मंजूर हुआ, उन्होंने दिया हुआ आपको मंजूर हुआ, तो मैं बोलूँगा उधर सब लोगों को पेड़ा वेड़ा खिलाने का काम मैं करूँगा, लेकिन आप लोगों को मंजूर नहीं हुआ तो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। क्या बोल रहा मैंने आई विल नॉट फोर्स यू। ओके, लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।